नमस्कार, मैं कुमारी नूतन नवशिरजी प्राथमिक विद्यालय कठरा, प्रखंड बेरहर, जिला बांका की एक शिक्षिका हूँ। द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के मंच पर सभी शिक्षकों, बच्चों, अभिभावकों एवं दर्शकों का तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। मैं पिछले वीडियो में वर्ग तृतीय का पर्यावरण अध्याय 19 कोशिश करके लेकर उसका पहला पार्ट लेकर आई थी। आज उसी अध्याय का दूसरा पार्ट लेकर आई हूँ, अध्याय 19 कोशिश करके देख ले का पार्ट 2। बच्चों, आप लोग किताब निकालिए। इस चैप्टर में मैंने बताया था कि ब्रेन लिपि के द्वारा नेत्रहीन बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं। नेत्रहीन बच्चे भी पढ़ाई अपनी कर सकते हैं ब्रेन लिपि मेथड के द्वारा, उसी के बारे में बात किए थे। आज कुछ और कहानी दी गई हुई है, विशेष रूप से मैं पढ़कर बताती हूँ आप लोगों से। आप लोग भी किताब निकालिए और देखिए। शैलेंद्र की पहियों वाली कुर्सी। शैलेंद्र की पहियों वाली कुर्सी। शैलेंद्र स्कूल से आने के बाद खिड़की के पास बैठकर ड्राइंग बनाता रहता है। उसकी माँ कहती है वह सबसे अच्छी ड्राइंग बनाता है। शैलेंद्र जब स्कूल से आता है, विद्यालय से आता है, तो वो खिड़की के बगल में कुर्सी पर बैठ जाता है और अपनी ड्राइंग बनाते रहता है। और उसकी माँ कहती है कि मेरा बेटा तो बहुत अच्छा ड्राइंग बनाता है। पिताजी उसके लिए पहियों वाली कुर्सी ले आए। शैलेंद्र ने जल्दी ही अपनी कुर्सी को आगे पीछे घुमाना सीख लिया। एक पहिया वाला कुर्सी होता है जो आगे पीछे घूमता है, जिधर घुमाना चाहो उधर घूमता है। वैसी कुर्सी उसके पापा ने उसे लाकर दी। अब वो अपने घर में कहीं भी आ जा सकता है। एक दिन उसके पिताजी उसे घर के पास एक बगीचे में ले गए, जहां कुछ बच्चे बॉल से खेल रहे। उसके पिताजी बगीचे में ले गए शैलेंद्र को, जहां बच्चे बॉल से खेल रहे थे। शैलेंद्र उन बच्चों को खेलते हुए देख रहा था। इतने में उसके पास बॉल आई। उसने बॉल को पकड़ लिया और उठाकर फेंक दी। वह बैठा बैठा बच्चों को खेलते देख रहा था कि एक बच्चा उसके पास आया और बोला, तुम भी खेलोगे? शैलेंद्र ने खुशी से सिर हिलाया। बच्चों ने बातचीत की और उसे भी खेल में शामिल कर लिया। खेलते हुए बच्चों को शैलेंद्र देख रहा था। बॉल आई और बॉल उठाकर वो फेंक दिया तो कुछ बच्चे आकर उसे बोले कि क्या तुम भी हमारे साथ खेलोगे? शैलेंद्र ने हाँ में सर हिलाया और खेलने की प्रक्रिया शुरू की। कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। उन बच्चों ने शैलेंद्र को कैसे खिलाया होगा? अब ये बताइए कि शैलेंद्र पहियों वाली कुर्सी पर क्यों बैठता था? इसलिए कि वो विकलांग था, नहीं, अपने पैर पे नहीं चल पाता था, इसलिए वो बैठे बैठे ही खेल रहा था। तो उन बच्चों ने शैलेंद्र को कैसे खिलाया होगा? ये अब सोचने वाली बात है कि किसी को पैर है और किसी का पैर नहीं है, वो कैसे एक दूसरे से एडजस्ट करेगा खेलने के लिए? नहीं, वो कुर्सी पर बैठा रहेगा और पहिए की सहायता से आगे पीछे घूमेगा, वो वहां से ही बॉल फेंकेगा। नहीं, आप शैलेंद्र को अपने साथ और क्या क्या खेल खिला सकते हैं? अगर वैसे बच्चे आपके पास हैं जो चल नहीं सकते हैं, तो उन बच्चों को आप कौन कौन से खेल अपने साथ खिला सकते हैं? लूडो, कैरम बोर्ड, नहीं, ये सब खिला सकते हैं। कैसे खिलाएंगे ये भी बताना है। शैलेंद्र अपने घर में क्या क्या करता होगा? अपने सारे काम करता होगा, ड्राइंग करता ही है, अपना सारा काम जो भी वो दिनचर्या है प्रतिदिन जो करते हैं वो करता होगा। हाँ, अब कुछ और है। संकेतों की भाषा। संकेत के द्वारा माने इशारा के द्वारा आपस में बातचीत करना, कैसे बातचीत करते हैं उसके बारे में दिया हुआ है। आपस में बात करने के लिए हम अक्सर शब्दों का प्रयोग करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम बिना बोले ही किसी को इशारे से बुला लेते हैं। होता है बार, हम लोग बार बार नाम लेकर या ऐ सुनो इधर नहीं बुलाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि इशारा
मतलब इधर आओ, नहीं इशारा करके बुलाते हैं। ये इशारे अलग अलग तरह के भी होते हैं और एक जैसे भी हैं। आपको यह शायद पता नहीं होगा कि संकेतों की एक संपूर्ण भाषा है। जो बोल नहीं पाते हैं वो इशारा और संकेत के द्वारा ही सारा बात एक दूसरे से कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं अपने मन की बात। हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो संकेतों की भाषा का उपयोग करते हैं। कुछ लोग जो बोल नहीं सकते वे संकेतों की भाषा का उपयोग करके सभी तरह की बातचीत कर सकते हैं। इसमें हाथों और उंगलियों का भरपूर उपयोग होता है। जब हम एक दूसरे से संकेत की भाषा करते हैं तो हाथ और उंगलियों का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। संकेतों और इशारों पर आधारित समाचारों का प्रसारण टेलीविजन पर भी किया जाता है। इस तरह की भाषा का उपयोग करते हुए लोग दुनिया भर की जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। आपने टीवी देखा होगा, नेशनल टीवी, उस पे आप देखते होंगे कोई बोल रहा और कोई इशारा से ऐसे वैसे करके बातें कर रहा है, नहीं तो वो हमको समझाने की कोशिश करता है। जो नहीं सुन पा रहा है, जो नहीं बोल पा रहा है, उसको समझाने की कोशिश करता है कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। यदि बिना बोले ही नीचे दिए गए कार्यों को करना हो तो आप उन्हें कैसे करेंगे? मेहमान का अभिवादन करेंगे ना, कोई आ रहा है, मतलब प्रणाम, नमस्ते, वेलकम और अंदर आइए, बैठिए, नहीं। दोस्तों को अपने पास बुलाना इशारा करके, पानी का ग्लास मांगना, ऐसे मांगेंगे, खेलने के लिए साथियों को बुलाना, खेलने के लिए नहीं, बाहर चलो खेलेंगे, नहीं ऐसे ही बुलाते हैं। संकेत की भाषा उन लोगों के लिए जरूरी है जो बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते हैं। वो संकेत की भाषा को आसानी से समझ जाते हैं। वो क्या बोलना चाहते हैं, क्या उनको तकलीफ है, क्या चाहिए, वो संकेत के द्वारा बातें कर। अब मैं फिर आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी, अध्याय 20 लेकर, आओ खेलें मिट्टी से। तब तक के लिए धन्यवाद।